क्या जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जिस लड़के की ज़्यादा लंबाई होती है उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो ज़्यादा होता है, या जिसकी लंबाई ज़्यादा रहती है क्या उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रहता है? तो ये क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत से लड़कों का आता है, क्या सर लंबाई का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कोई संबंध है, प्लीज़ आप ये बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। देखिए, जब मैंने ये वीडियो बनाई है, इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च की है, बहुत आर्टिकल पढ़े हैं, बहुत है ना, और लड़कों के टेस्ट भी कराए हैं कुछ के, जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसका मैंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चेक कराया, जिसकी मैंने हाइट कम है उसका भी मैंने चेक कराया, मैंने देखो क्या ये वाकई है या नहीं है। तो मैंने लास्ट में ही पाया कि इसमें बहुत सी मिस कन्फ्यूजन है। कुछ स्टडी कहते हैं कि हाँ ऐसा होता है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, कुछ स्टडी ने कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अपना पर्सनल, देखिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मेरा जो वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि आपको एक सही नॉलेज दी जाए, आपको कहीं भटको ना, आप सबसे बड़ी बात है आपको कहीं गुमराह ना कोई करें, आपको बिना दवाइयों के मैं आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो ठीक करना चाहता हूँ और आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए, बस सिर्फ यही मैं चाहता हूँ। तो बात ये आई कि ये बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन वाला ही आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने देखा जिसकी लंबाई कम है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक है, हाई है, तो ऐसा नहीं है। तो आपकी यदि हाइट कम है, हाँ ये सवाल जो वो पूछता है जिसकी हाइट कम है सबसे बड़ी बात है, तो यदि आपकी हाइट कम है तो आप घबराइए मत, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ठीक है, ठीक है ना। तो और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है फिर चेक करा लीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके मन में बहम बैठ गया है तो आप चेक करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हाइट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, कम है तो लंबाई कम रहेगी। देखिए आप सोचिए, देखिए जो लंबाई है, हमारी लंबाई है किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? सबसे पहले जो फैक्टर है इसमें जेनेटिक, जेनेटिक का सबसे बड़ा रोल है इसमें। यदि आपके मदर फादर की हाइट कम है तो ओब्वियसली आपकी हाइट कम रहेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगी, तो जेनेटिक का सबसे बड़ा रोल है। सेकेंड है फिर आपकी डाइट का, यदि आपकी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट सही मात्रा में नहीं है, यानी कि आप माल न्यूट्रिशन ले रहे हो तो भी आपकी जो हाइट है वो कम रह जाएगी। ये दो तीन चीज़ें और कुछ नहीं है हाइट में, ठीक है ना। तब भी आपकी हाइट कम है तो आप घबराइए मत, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई आती है हाइट बढ़ाने की, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा जो सवाल यही है कि हाइट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो आपने जो अपने माइंड में ये मिथ पाल रखा है ना, ये कन्फ्यूजन पाल रखा है, ये बिल्कुल दूर कर दीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। बस मैं भी चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक रहें और बिना दवाइयों के आप ठीक रहें। थैंक यू वेरी मच।